डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं उमेश सनोडी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि आज के वीडियो हम सीखेंगे OMR सीट कैसे भरी जाती है, उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी में बताने वाला हूं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें OMR सीट की आवश्यकता होती है, उसमें OMR सीट के द्वारा जो है आंसर हमको देने होते हैं, तो हमको OMR सीट जो है भरते आना चाहिए, तो उसको आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, है ना। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है हमको फिल करना है वो देख लेते हैं, और इसमें कुछ निर्देश जो है हमको दिए होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए सेशन तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ सेशन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर डेट की बात है, यहाँ पर डेट हमको भरना है। तो यहाँ पर जैसे जो भी डेट हो उसको हम भर सकते हैं। मैं पूरा इसको जो है फिल करके आपको बताऊंगा, लाइव जो है इसको मैं फिल करके बताऊंगा। पहले हम इसके पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो उसको हम जो है पूरा एक एक करके हम पूरा फिल करने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम आगे, यहाँ पर आपको जो दिया है एग्ज़ाम नेम दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का नेम आपको जो है यहाँ पर फिल करना है, जिस भी क्लास में आप हैं, जैसे बी ए सेकेंड ईयर या फिर बी एस सी सेकेंड ईयर या फिर बी कॉम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो वो नाम यहाँ पर आ जाएगा, बी ए थर्ड ईयर, इस प्रकार से यहाँ पर बी एस सी थर्ड ईयर। तो जो भी आप क्लास में हैं, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस कॉलम में। साथ ही जो एग्ज़ाम नेम यहाँ पर दिया गया है उसको हमको कैपिटल लेटर में लिखना है, इसको आज ज़रूर आप ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर में इसको जो है एग्ज़ाम नेम जो है कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आगे देख रहे हैं, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर रोल नंबर की डिटेल्स हमसे मांगी गई है। फिर यहाँ पर कॉलेज कोड और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर दिया गया है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर पे आप नंबर देख रहे हैं, OMR सीट नंबर, उत्तर पुस्तिका नंबर होता है, आंसर सीट नंबर कहलाता है, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब अटेंडेंस सीट जब आपके पास आएगी, तो अटेंडेंस सीट में इसका नंबर आपको लिखना होता है और सिग्नेचर करने होते हैं अटेंडेंस सीट में, तो उस समय जो है यहाँ पर आपको इस नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही जब आप अटेस्टेशन फिल करते हैं तो वहाँ पर भी इस नंबर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अटेस्टेशन जब आपको फिल करना होता है वहाँ भी इस नंबर की को लिख करके जो है आपको साइन करने होते हैं अटेस्टेशन में, तो इसकी ज़रूरत आपको वहाँ पर भी पड़ेगी, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर जो है नीचे आपको आंसर देने के लिए यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं, चार विकल्प आपको दिए गए, उसमें से एक को आपको काला करना होता है। चलिए तो इसके बारे में जो है हम पूरा एक लिखित में पहले एक निर्देश देख लेते हैं, फिर लाइव इसको जो है हम पूरा फिल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आगे जो है, साथ ही इसमें आपको जो है नीचे यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करने होते हैं, यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करने होते हैं, और यहाँ पर जो है इंजिविलेटर के यहाँ पर साइन होते हैं, यहाँ पर ड्यूटी लगती है जो आपके जो है एग्ज़ाम के समय जिनकी ड्यूटी लगती है उनके साइन यहाँ पर होते हैं, है ना। आप जब भी साइन करते हैं तो पढ़ के ज़रूर करिए साइन, तो यहाँ पर जो है आपके स्टूडेंट के साइन हो जाएंगे, इधर यहाँ पर स्टूडेंट के साइन होना है। चलिए आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम देख लेते हैं कि किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहला जो निर्देश यहाँ पर दिया गया है वो है अक्षरों एवं अंकों को लिखने के लिए एवं गोले को भरने के लिए काले अथवा नीले बॉल पेन का उपयोग करें। यहाँ पर जब भी आपको अक्षर लिखना हो, डिजिट लिखना हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है यहाँ पर, वो आपको या तो ब्लैक पेन यूज़ करिए या फिर आप नीला पेन यूज़ करिए, दो पेन आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। जो सेकंड नंबर की यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, इस तरीके से भरे गए गोले गलत प्रकार होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल हमारे सामने दिए गए हैं कि यदि मान लीजिए आप इस प्रकार से कोई भी ऑप्शन में यहाँ पर आप टिक का निशान लगाते हैं, करेक्ट का निशान लगाते हैं, तो वो उत्तर देने का तरीका आपका गलत होगा। यदि आप क्रॉस करते हैं तो भी जो है उत्तर देने का तरीका गलत होगा। थोड़ा सा यदि आप डॉट लगाते हैं, थोड़ा सा आप फिल करते हैं, तो भी तरीका गलत होगा, और थोड़ा सा ज़्यादा आप फिल कर देते हैं बीचों बीच में, तो भी आपका तरीका गलत होगा आंसर देने का। तो आपको कैसे देना है आपको आंसर, तो यहाँ तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, इस तरीके से भरे गए गोले सही है, तो जो गोला है उसको पूरा जो है आपको काला कर देना है। तो जो है ना, यहाँ पर ए को जो है करेक्ट यदि माना है उसने, तो पूरा गोला जो है उसको काला हमको कर देना है,
इस प्रकार से भरा गया जो आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे हम देखते हैं, डू नॉट फोल्ड द ओएमआर सीट। यहाँ पर ओएमआर सीट को मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है, उसको जो है फाड़ना नहीं है, या उसमें सिल्वर्ड वगैरह नहीं आना चाहिए, मोड़ना नहीं चाहिए, या फिर कुछ भी उसमें हमें अनावश्यक रूप से कोई रफ कार या लिखना नहीं है। अगला पॉइंट है, ओएमआर सीट पर रफ कार ना करें, किसी प्रकार से कुछ भी हमको उसमें अनावश्यक रूप से कुछ भी उसमें नहीं लिखना है, नहीं तो क्या होता है, ओएमआर सीट जो है मशीन द्वारा चेक होती है, यदि किसी प्रकार से यदि हम मोड़ते हैं या वो फट जाती है तो फिर अच्छा, कई लोग जो है उसमें, कई स्टूडेंट उसमें क्या रबर का यूज़ करते हैं मिटाने के लिए, तो उसका यूज़ भी नहीं करना है, यदि वो फट जाती है तो फिर ओएमआर सीट आपकी चेक नहीं होगी, इसका ध्यान रखिए। तो अगला पॉइंट है, गोले को पूरी तरह से भरें ताकि गोले के अंदर लिखे गए अंक या अक्षर नहीं दिखाई देवे, पूरा गोला हमको काला करना है। अगला जो पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट है, एक प्रश्न के उत्तर के लिए सिर्फ एक ही गोला नीला करें, नीला या काला करें, गोले को बदलने, काटने एवं खरोंचने की अनुमति नहीं है। एक उत्तर के लिए सिर्फ हमको एक ही गोला काला करना है, डबल गोला काला करेंगे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन आंसर जो है आप देंगे तो वो कोई मतलब का नहीं रहेगा, उसमें जो है डबल गोले काले नहीं करना, एक ही आपका जो गोला आपको काला करना है। साथ ही हम बदल नहीं सकते, एक बार यदि आपने फिल कर दिया तो उसका आंसर हम उसको नहीं बदल पाएंगे, और खरोंचने मतलब रबर वगैरह का यूज़ भी हम नहीं कर सकते हैं। परीक्षार्थी को अनुक्रमांक बाएं से दाएं दिशा में भरना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश है, परीक्षार्थी को अनुक्रमांक बाएं से दाएं दिशा में भरना है, यहाँ पर दिया गया है, मैं भर के भी बताऊँगा, यहाँ पर पूरा लाइव आपको जो है भर करके ओएमआर सीट भर करके मैं आपको दिखाऊँगा। अगला पॉइंट है, परीक्षा का नाम अंग्रेजी के मैं कैपिटल अक्षरों में भरना होगा, जो एग्ज़ाम का नेम है उसको हमको कैपिटल लेटर पे लिखना है, इसका ध्यान रखेंगे, परीक्षा का नाम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना, पूरा जो है हमको कैपिटल अक्षरों में लिखना होगा, इसका ध्यान रखेंगे। अगला जो निर्देश इस पे दिया गया है, यदि कॉलेज सेंटर कोड 4 अंकों से कम है तो पहला अंक 0 भरना होगा, इसको भी मैं आपको बताऊँगा कि मान लीजिए कोई भी 4 डिजिट का नहीं होता है, 3 डिजिट का ही है, तो पहला जो अंक है उसको आप 0 कर दीजिए, फिर आप जो है उसको फिल कर दीजिए। उदाहरण, यदि कोड जो है 156 है तो गोले को 0156 भरना होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश साफ साफ लिखे गए हैं, यदि आप इन निर्देशों को पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई भी गलती नहीं हो पाएगी, इनको ज़रूर आप जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिए। आगे हम देखेंगे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हीं एग्जाम्पल के तौर पे जो है हम पूरा ओएमआर सीट को मैं आपको भर करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर बात किए गए थे कि जो एग्ज़ाम का नेम उसको आप कैपिटल लेटर पे लिखिए, तो यहाँ पर बीए थर्ड ईयर यहाँ पर लिखा गया है और पूरा इसको कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से हमको जो है यहाँ पर कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम नेम में आपको क्लास का नाम लिख देना है, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड ईयर हो सकता है, बीए सेकंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर हो सकता है, या आप बीएससी थर्ड ईयर के हैं, बीएससी सेकंड ईयर के, बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं, या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं, बीकॉम सेकंड ईयर, या बीकॉम थर्ड ईयर के हैं, तो इस प्रकार से जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर रोल नंबर दिए गए और उनके फिर जो है गोले जो है काले किए गए हैं, तो किस प्रकार से इसको फिल करना है मैं आपको पूरा लाइव अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से ओएमआर सीट जो है हमको फिल करना है। तो यहाँ पर ओएमआर सीट आपके सामने दिखाई दे रही है, इसको जो है हमको फिल करना है, किन किन सावधानियों को रखना है वो सब मैं जो है निर्देश आपको बता चुका हूँ। तो उन निर्देशों के चलते जो है उन निर्देशों को जब हमने पढ़ लिया है तो इसके बाद हमको जो है ओएमआर सीट अब फिल करनी है। तो इसमें अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह कि जो ओएमआर सीट है वो फाउंडेशन कोर्स की यहाँ पर है कि कॉलेज में यूज़ की जाती है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ओएमआर सीट लगभग एक सी होती है, एक दो चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग हो सकती है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप
तो सभी स्टूडेंट जो है इसको ध्यान से देखें। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सेशन दिया है 2024 जो कि फिल है, इसको हमको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ एग्ज़ाम। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ एग्ज़ाम मान लीजिए 18 तारीख है, 18, और ये यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट लिख देना है, यहाँ पर आपको मंथ लिख देना है, और यहाँ पर आपको सन लिख देना है, जैसे 2024 इस प्रकार से इसको फिल करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम नेम दिया है, एग्ज़ाम नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। तो पीछे हमने क्या देखा था कि जो एग्ज़ाम नेम है, पीछे जो हमने निर्देश में देखा था कि जो एग्ज़ाम नेम है वो आपको क्या करना है, वो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर भरना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर निर्देश देख लें, जैसे बीए थर्ड ईयर यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर बीए थर्ड ईयर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम नेम आएगा वो कैपिटल लेटर में हमको फिल करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बीए थर्ड ईयर, इस प्रकार से हमको वहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम नेम में जो है आपको जो जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर बीए थर्ड ईयर लिखा है, आप यदि बीएससी के हैं तो बीएससी थर्ड ईयर लिख दीजिए, बीकॉम के हैं तो बीकॉम थर्ड ईयर लिख दीजिए, यदि आप सेकेंड ईयर के हैं बीए सेकेंड ईयर के तो बीए सेकेंड ईयर लिख दीजिए, बीएससी सेकेंड ईयर, मतलब आप जिस भी क्लास के हैं तो यहाँ पर वो क्लास का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद है महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर है रोल नंबर। रोल नंबर जो है आपको फिल करना है। तो रोल नंबर सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, डिजिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे रोल नंबर, तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के तौर पे कुछ रोल नंबर को ले लेते हैं। तो वो रोल नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर पहले हम डिजिट पे लिखेंगे, फिर इसके बाद जो है कैसे उसको गोले काले करने वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, जो एक रोल नंबर मैंने वैसे ही लिख लिया है उदाहरण के तौर पर। तो देखिए यहाँ पर 1, इसको बहुत ही जो है सावधानी से आप भरेंगे, 1551 8 5 6 00, इस प्रकार से बहुत सावधानी के साथ आपको जो है इसको फिल कर लेना है। चलिए अब इसको जो है गोले हम इस करने से पहले सारी एंट्रीज हम एक बार यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर कॉलेज कोड यहाँ पर दिया गया है, कॉलेज कोड यहाँ पर दिया गया है, तो मैं यहाँ पर जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसका मैं कोड यहाँ पर अंकित कर देता हूँ। जैसे मेरे कॉलेज का जो कोड है वो है यहाँ पर 0114, यहाँ पर 114 है। तो यहाँ पर देखिए निर्देश में दिया गया था कि 3 डिजिट कह दी है, तो पहले वाला जो नंबर आएगा वो यहाँ पर 0 हमको फिल करना है, तो 0 यहाँ पर हमने फिल कर लिया। इसी प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर कोड भी हमारा सेम है, यहाँ पर 0114 यहाँ पर हमारे सेंटर में जो है हमारे कॉलेज का एग्ज़ाम सेंटर भी वही है जो कि कॉलेज है हमारा, तो इसको मैं सेम फिल कर देता हूँ। आपका जो होगा वो आप फिल कर लीजिए, एडमिट कार्ड में रहता है आप देख लीजिए या इसको पहले से पता करके रखिए। यहाँ पर 0114। अब अगला जो आता है इनरोलमेंट नंबर आता है। अब जो है इनरोलमेंट नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर जो दिया है मैं उसको फिल कर लेता हूँ। एक उदाहरण के तौर पे हमने लिया है, इसमें बहुत सावधानी रखना है हमको इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ R और P यहाँ पर शुरू में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए R और P लिखा हुआ है, तो यहाँ पर R से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे R, फिर यहाँ पर 2, ऊपर देख लीजिए यहाँ से हम नोट कर रहे हैं 2 0 1 2 2 0 1 2 2 7 9, इसको सावधानी से हमने जो है फिल कर लिया। अब हमने डिजिट जो है सारी लिख ली है, अब यहाँ पर हम करेंगे गोले काले करेंगे, यहाँ पर अब हम यहाँ पर गोले काले करेंगे। तो इसको जो है बहुत ध्यान से आप यहाँ पर देखिए कि कैसे इसको गोले काले करना है। इसमें नेम वगैरह नहीं दिया है, नेम वगैरह का कोई कॉलम इसमें नहीं रहता क्योंकि एग्ज़ाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहता है नेम के लिए, लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम हमारे कॉलेज के हैं उसमें नेम का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमने एग्ज़ाम का नेम देख लिया, यहाँ पर ऊपर डेट देख लिया,
और यहाँ पर अब हम गोले काले करेंगे। तो इसको जो है आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि गलतियाँ जो है अक्सर इसी में स्टूडेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर वन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो गोले आप देख रहे हैं जीरो से लेकर के नाइन तक हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए वन दिया गया है, तो वन पहले वाले गोले को हमको काला कर देना है। तो यहाँ पर जो है वन को काला कर देंगे हम, वन वाले गोले को, बहुत सावधानी से इसको करना है और पूरा जो गोला है उसको काला, पूरा गोला जो है काला हो जाएगा, कोई टिक वगैरह इस पर नहीं करेंगे हम। अब फाइव है, तो फाइव को हम देख लें, यहाँ पर फाइव इसको काला कर लें। अगला डिजिट क्या है, फाइव है, फिर यहाँ पर जो है फाइव वाला गोला काला हो जाएगा। ऊपर जो भी डिजिट है उसी गोले को हमको काला करना है, यहाँ पर फाइव दिया है तो फाइव को फिर हम जो है यहाँ काला करेंगे। अगला वन है, तो यहाँ वन वाले को काला करेंगे। अगला दिया एट, तो एट वाले को काला करेंगे। ऊपर दिया हमारा फाइव, तो फाइव वाले गोले को काला करेंगे। अगला सिक्स दिया है, तो सिक्स वाले गोले को काला करेंगे, सिक्स नंबर को। इसमें सब लिखा हुआ है नीचे गोलों में जो है, यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं, बहुत सावधानी से हमको फिल कर लेना है। अगला है जीरो, तो जीरे वाले को, जीरो को हमको यहाँ फिल कर लेना है, ब्लैक कर लेना है, काला कर देना है। और फिर जीरो दिया है, तो यहाँ पर जीरो को। इस प्रकार से रोल नंबर वाला जो हमारा कॉलम है वो पूरा काला हो गया यहाँ पर। अब अगला जो दिया गया है वो दिया है कॉलेज कोड दिया है, तो कॉलेज कोड के लिए जीरो 114 है यहाँ पर, तो जीरो वाले को हम इसको काला कर लेंगे, जीरो। फिर है वन, फिर दिया है वन, फिर दिया है फोर। इस प्रकार से हमने इसको फिल कर लिया। फिर जो एग्जाम सेंटर जो दिया गया है हमारे कॉलेज में जो होता है वो सेम होता है एग्जाम सेंटर भी, तो यहाँ पर देखिए आपका हो सकता है अलग हो, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम आपका जो भी होगा उसको फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है वो दिया है जीरो। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे मैं इसको जो है फिल कर रहा हूँ, ठीक है। वन, फिर अगला है वन, फिर यह दिया फोर, तो यहाँ पर फोर वाले कॉलम को इस प्रकार से यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर वाला हमने फिल कर लिया है। आगे है इनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ पर अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे आर होता है यहाँ पर, आर या पी से स्टार्ट होता है, या आपका जो भी है और भी दूसरे डिजिट से स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ पर वैसे नंबर यहाँ पर, वैसे डिजिट यहाँ पर, वैसे अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए रहेंगे। तो उसको आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे आर दिया है, तो मैं आर यहाँ पर आर और पी दोनों दिया है, तो यहाँ पर देखिए मैं आर वाले को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ टू दिया है, तो यहाँ पर टू वाले को मैं फिल कर लेता हूँ, ब्लैक कर दिया मैंने टू को। यहाँ पर टू दिया है, तो यहाँ पर भी टू को ब्लैक कर देना है। ऊपर जो डिजिट रहेगी उसी गोले को हमको काला कर देना है। फिर यहाँ पर जीरो दिया है, तो जीरे वालों को जो है हम ब्लैक कर दिए। यहाँ वन है, तो वन को। यहाँ टू दिया है, तो टू को। यहाँ टू दिया है, तो टू को ब्लैक कर देंगे। जीरो दिया है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वन, फिर आगे टू, अगला टू दिया है, तो टू, टू वाला जो है ब्लैक हो जाएगा। अगला दिया सेवन, तो सेवन आ जाएंगे हम नीचे। फिर नाइन दिया है, तो नाइन वाला ब्लैक हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी डिजिट जो है ब्लैक होना है, जो भी डिजिट ऊपर दिया है उसी को हमको ब्लैक करना है। तो इस प्रकार से हमारे जो सारे कॉलम यहाँ पर फिल हो गए हैं, जो भी एंट्रीज हमको फिल करनी थी। यहाँ पर देखिए पेपर का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो वो जो है प्रिंट है, उधर उधर से ही जो हमारे शीट में प्रिंट है, कई एग्जाम में हो सकता है यहाँ पर आपको लिखने के लिए दे, तो वैसे फिर आपको लिख लेना है। फिर नीचे जब हम आएंगे, यहाँ पर आपको उत्तर देने के लिए जो यहाँ पर दिया गया है,
फिर यहाँ पर आपको कर देना है कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट के आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पर तो जो बीच में यहाँ पर जो दिया गया है वो सील एंड सिग्नेचर ऑफ एग्जाम सेंटर का जो है सील और सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। इन्विजिलेटर के यहाँ पर साइन होते हैं, तो पढ़ करके आप जो है साइन करिए। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कैंडिडेट के साइन यहाँ पर होना है। इसमें भी कई स्टूडेंट गलती करते हैं, कहीं भी साइन कर देते हैं, तो इससे जो हमको बचना है, जहाँ पर हमारे साइन होना वहीं पर हमको साइन करना है। अब आंसर देने का जो तरीका है आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम आंसर देते हैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपके चार जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, किसी एक को जो है आपको फिल करना होता है। डबल आप फिल करेंगे तो वो आपका रिजेक्ट माना जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। वो फिर आप जो उसमें आपको कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एक को सही कर देते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि नहीं ये वाला सही होना चाहिए, तो फिर दूसरे को भी उसको काट कर दूसरे को ब्लैक कर देते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फिर वो मान्य नहीं होगा, कोई एक गोले को ही आपको काला करना है। तो उत्तर देने के लिए जो हमको सावधानी रखनी है, कोई एक ही गोले को हमको काला करना है। मान लीजिए जो क्वेश्चन पहला है उसका आंसर मान लीजिए बी है, तो हमको इस प्रकार से उसको बी वाले को ऐसा पूरा जो है उसको ब्लैक कर देना है। एक ही आंसर जो है हमारा यहाँ पर, एक ही गोले को हमको काला करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दो है उसका डी आंसर सही, तो इसको जो है डी को हम ऐसा ब्लैक कर देंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि तीसरे का जो है क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है ए सही है, तो इस प्रकार से हम ए को ब्लैक कर देंगे। अब मान लीजिए हमें डाउट हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसका ए आंसर ना होकर के सी आंसर है, तो ऐसी स्थिति में अब जो है हम यहाँ पर बदल नहीं पाएंगे अपने आंसर को। कुछ स्टूडेंट जो है रबर वगैरह का यूज़ करते हैं, घिसने लगते हैं यहाँ पर, इसको मिटाने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में ओएमआर सीट आपकी ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी आपको जो है रबर वगैरह का यूज़ या फिर मिटाने की कोशिश यहाँ पर नहीं करनी है। जो आंसर सीट जब आप भरते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ इसको फिल करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ओएमआर सीट को जो है फिल किया जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि किस प्रकार से ओएमआर सीट को फिल किया जाता है और किन किन सावधानी को जो है फिल करते समय हमको सावधानियां रखनी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।